के बाद आपका स्वागत। अब बात बागपत की करते हैं, जहां भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्र प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पंजाब के किसान आंदोलनों से हमारा कोई नाता नहीं है। 14 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होगी, जिसमें इस मीटिंग में आंदोलन का निर्णय लिया जाएगा। वहीं एनडीए और लोकदल के गठबंधन पर उन्होंने कहा कि गठबंधन से आंदोलन कमजोर नहीं पड़ता, मुद्दों पर आधारित आंदोलन होते हैं और मुद्दा जहाँ होगा तो वहीं आंदोलन होंगे, जिससे देश का राजा तानाशाह होगा तो उस के जो ज्योतिषी है वो तो उसी के कहने पर काम करेंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी की 80 सीटें जीतने के दावे पर भी उन्होंने सवाल उठाए। तो राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, जिन्होंने साफ तौर पर पंजाब का जो किसान आंदोलन इस समय जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें कहा कि अगर पंजाब का किसान आंदोलन है तो उससे हमारा रुख अलग है, आंदोलन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो एक अलग है। और हम 14 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा की एक मीटिंग होगी, जिसमें हम फैसला लेंगे कि किसान आंदोलन पर आगे क्या करना है। एसकेएम की तो 14 तारीख की मीटिंग है, उनकी पंजाब में जो आंदोलन चल रहा है उसकी कमेटी बनी हुई है, केंद्र सरकार उनसे बातचीत कर रही है, तो उनको तो वही कमेटी वन की बता पाएगी। यहाँ के किसान उनकी सहायता में नहीं जाएंगे क्या? नहीं नहीं, दिल्ली नजदीक है, जाना होगा तो दिल्ली जाएंगे। और हम 14 तारीख में दिल्ली जा रहे हैं, एसकेएम तो 14 तारीख में कर रहा, बहुत जगह देश में आंदोलन चल रही है। अभी सांसद वीके सिंह कह रहे जी ये पंजाब का आंदोलन है, यूपी का आंदोलन नहीं है, क्या कहेंगे? चलो वो तो बीजेपी वाले तो अपना अलग अलग कहेंगे। देखो किसानों का मूवमेंट है, कहीं पे भी चले किसान है, वे अपनी आवाज़ उठा रहे हैं सभी। और अभी तो जो ये फसलों का नुकसान हुआ, ये किसान आएगा इसको कहाँ के बताओगे? अभी जो ओलावृष्टि हुई है इसकी भरपाई तो सरकार को करनी है, आंदोलन तो इस पर भी। लखनऊ कमिश्नरेट में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला, 33 उप निरीक्षकों का स्थानांतरण कर दिया गया है, यानी उनको इधर से उधर कर दिया गया है। तो जो बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है, 33 उप निरीक्षकों का बुलंदशहर के शिकारपुर तहसील गांव मामू में पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया। महज 2 दिन पहले पीडब्ल्यूडी ने 1 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया था और ग्रामीणों ने इस मामले में डीएम से शिकायत कर इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की। और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, 2 दिन पहले सड़क का निर्माण, गिट्टियाँ रोड़ियाँ बाहर, तस्वीरें हम आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं। गाँव की सड़क बनाई गई और उसके बाद काम की प्रबलता, या यूं कह लें काम को आप देख पा रहे हैं कि पैरों से सिर्फ रगड़ दीजिए सड़क उखड़ कर सामने आ जाएगी, जिसकी शिकायत अब ऊपर अधिकारियों तक पहुंचा दी गई है। लखनऊ चौक पुलिस में तैनात सिपाही ने खुदकुशी का प्रयास करा है, जिसमें युवक की फिलहाल जान तो बच गई है। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जहां लखनऊ में पुलिस विभाग का ही कर्मचारी खुदकुशी करने का मामला सामने, तो यानी साफ तौर पर लखनऊ चौक पुलिस में तैनात सिपाही ने, जो जानकारी निकल कर आ रही है, सिपाही ने खुदकुशी का प्रयास किया था, जिस पर लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और युवक को किसी तरह से बचा लेते हैं। ये पूरा जो घटना है सोशल मीडिया पर इसका वीडियो जो वायरल हुआ, तब लोगों को और ज़्यादा जानकारी मिली, लेकिन ये चौक पुलिस का मामला बताया जा रहा है, जहाँ अचानक से युवक, अभी जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है उसमें ये अभी नहीं पता लग पाया कि खुदकुशी का कारण क्या है, लेकिन जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, खुदकुशी करने गए व्यक्ति को बचा लिया गया है, युवक सुरक्षित है। और लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा था कि खुदकुशी करने का प्रयास इस युवक ने किया है, और
फिलहाल वो सुरक्षित बताया जा रहा है, जो जानकारी निकलकर लखनऊ से सामने आ रही है। अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं। यूपी के औरैया महोत्सव में हो रहे कार्यक्रम में बॉलीवुड सिंगर कैलाश खेर पहुंचे, जहां पॉप सिंगर कैलाश खेर ने अपने कैलाशा बैंड के साथ लोगों का खूब मनोरंजन किया, जिसमें कैलाश खेर ने के गीतों को सुनकर लोग झूमते और थिरकते हुए नजर भी आए हैं। वहीं महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने दीप प्रज्वलित करके की थी। उन्होंने आज औरैया महोत्सव में अपने गीतों के माध्यम से समा बांध दिया। तो साफ तौर पर ये फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहिए।